हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई एक बायर ई कॉमर्स के माध्यम से या ऑनलाइन परचेजिंग करता है तो ऐसे कौन से मीडियम रहते हैं जिसके माध्यम से वो पेमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई कैश, स्मार्ट कार्ड, ई पर्स, जिसको कि हम डिजिटल वॉलेट भी कहते हैं। तो डेबिट कार्ड की बात करें या क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू हैव नॉलेज अबाउट दैट कि व्हाट इज द डेबिट कार्ड एंड व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड। इनको छोड़ के मैं बात करूंगी डायरेक्टली कि ई कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स में ई कैश किस तरह से वर्क करता है, स्मार्ट कार्ड किस तरह से वर्क करता है, ई पर्स जो है जिसको हम डिजिटल वॉलेट बोलते हैं वो किस तरह से बात करता है। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। ई कैश की बात करें, ई कैश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपने करनी होती है तो आपके पास जो है वो ई मनी होना चाहिए यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी होना चाहिए। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का माध्यम बन सकता है और इस मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, या तो आप क्लाइंट डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं लाइक इज द मोबाइल डिवाइस जिसको हम कह सकते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर में इस मनी को स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम में बहुत से के साइबर कैश होते हैं, डिजिटल कैश यानी कि ई मनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म में है या प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे ई कैश सॉफ्टवेयर के हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इट इज वेरी यूजफुल टू इन द फॉर्म ऑफ द ई कैश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर या फिर ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन ई कैश बोथ कस्टमर एंड द मर्चेंट हैव टू साइन अप विद बैंक इशू द ई कैश। सबसे पहले तो हमें जो कस्टमर है और मर्चेंट जो भी हमारे डीलर्स होते हैं उनको अपने बैंक अकाउंट में ई कैश के फॉर्म में साइन अप करना पड़ता है, और दूसरा है वो इजिली कहीं भी आपके डेस्कटॉप पे है मनी या डेस्कटॉप टू मर्चेंट साइड आप इजिली इस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहता है एक बायर और सेलर के लिए वो ये रहता है कि इसमें कोई रिमोट ऑथराइजेशंस नहीं होती, कोई सिग्नेचर नहीं होता, कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस यानी कि पिन नंबर की जरूरत नहीं होती है। इजिली वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हम ई कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। ई कैश को स्टोर करने के टू मीडियम्स हैं, एक तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन तब जब आप डायरेक्टली अपने बैंक जो इश्यूअर बैंक है उससे कनेक्ट करके उससे परमिशन लेके उसमें उस अमाउंट को वहां स्टोर करके वहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा मीडियम है आप पीसी पे खुद बैठ के अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसकी प्रोसेस की, तो किस तरह ये चलता है। सबसे पहले कंज्यूमर जो है बैंक से ई कैश लेता है और बैंक उसे ई कैश बिट को कंज्यूमर के लिए सेंड करता है और उसके साथ वो चार्जेस भी कुछ काटता है। कंज्यूमर उसके बाद जो है जिसके साथ वो डीलिंग करता है यानी कि पे बैंक है, मर्चेंट बैंक है, मर्चेंट जो बैंडर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। फिर मर्चेंट उसको चेक करता है कि ई कैश वैलिड है कि नहीं वैलिड है, और बैंक उसको वेरीफाई करता है कि बैंक आफ्टर दैट जो बैंक उसको वेरिफिकेशन देता है कि ई कैश वैलिड है। तो इस तरह जो है एक तरह की बायर और मर्चेंट यानी कि बायर और सेलर के बीच डीलिंग होती है। और एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि इसमें मर्चेंट और बायर दोनों का अकाउंट ई कैश में होना बहुत जरूरी हो जाता है। ई कैश फॉर्मेट में बैंक से डीलिंग तभी हो सकती है जब मर्चेंट के पास भी ई कैश हो और आपका जो बायर है जिसने अमाउंट मर्चेंट तक पहुंचाना है वहां पर भी ई कैश का सिस्टम होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस रहता है ई कॉमर्स कॉमर्स में ई कैश में पेमेंट करने का, तो किस तरह से रहता है। सबसे पहले कंज्यूमर एक अकाउंट ओपन करता है, ई कैश करेंसी का अकाउंट ओपन करेगा। ई कैश करेंसी का अकाउंट ओपन करने के बाद द कंज्यूमर रिक्वेस्ट ए ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम वेबसाइट, जो हमारी करेंसी सर्वर की वेबसाइट है उससे हमारा अमाउंट ई कैश सिस्टम में जाता है। फिर करेंसी सर्वर जनरेट एनी वैलिडेट द ई कैश क्वाइन, तो करेंसी का जो सर्वर है वो उस जो अमाउंट है या क्वाइंस है उसको जनरेट करता है, ई कैश में अमाउंट भेजता है। कंज्यूमर सेंड ई कैश टू एनी मर्चेंट बैंक या एनी मर्चेंट सेलर को, किसी भी सेलर के मर्चेंट बैंक को वो ट्रांसफर कर सकता है। फिर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्शन करता है
जो इन्फॉर्मेशंस को लेने वाला होता है, यानी कि जो मर्चेंट बैंक है या फिर जो मर्चेंट का बैंक है, उसको वो इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा विद इट्स द प्राइवेट की, यानी कि जो प्राइवेट की इन दोनों के पास अवेलेबल होती है। जब भी कंज्यूमर ई कैश का अकाउंट खोलता है और जो आपका सेलर है वो भी ई कैश का अकाउंट खोलता है, तो दोनों के पास एक प्राइवेट की होती है जिसके, और ई मर्चेंट बैंक इसको वेरीफाई करता है कि उसका जो ई कैश का अमाउंट है वो वैलिड है कि नहीं है। तो इस तरह ई कैश की पेमेंट आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में।